हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुश। तो हमने पिछले वीडियो में AS 29 के प्रोविज़न पढ़े। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ चुके हैं हम लोग। ये सेकंड पॉइंट है प्रोविज़न फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इन विच द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ द मीटिंग द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड अंडर इट। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब हम लोग आसान भाषा में समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मान के चलिए एक मैंने फैक्ट्री लीज पे ली है 12 मंथ के लिए, एक साल के लिए। उसका पर मंथ का जो भी लीज रेंट जाएगा 1 लाख रुपये महीना। कोई भी सम रीज़न वो फैक्ट्री मेरी चली नहीं, क्या हुआ भाई उसमें, जैसे कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, कुछ ऐसा हो गया कि हमारा वहाँ पे फैक्ट्री ना रह के कहीं और शिफ्ट हो रहा है, नया शिफ्ट हो रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट हम उसको सबलेट भी नहीं कर सकते। सबलेट का मतलब तो आप समझ ही रहे, मतलब किसी को किराए पर नहीं दे सकते, कोई और एनी अदर कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। अब तो मेरा कॉस्ट तो 12 लाख रुपया वो एट इज इट है, और हमारा जो फैक्ट्री कहीं और शिफ्ट होगा तो उसका एक अलग ही खर्चा है। तो अब इस कंडीशन में हमारा उस कॉस्ट को अनअवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं, जो कि हम उसको रोक ही नहीं सकते हैं, वो मेरा होगा ही होगा कैसे भी होगा। तो अब इसमें इसी केस में हमारा एक केस स्टडी है, एंड इंटरप्राइजेज ऑपरेट प्रॉफिटेबल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट इट हैज़ लीज्ड अंडर द ऑपरेटिंग लीज ड्यूरिंग अक्टूबर 2022। द इंटरप्राइजेस रिलोकेटेड इट्स ऑपरेशंस टू अ न्यू फैक्ट्री। द लीज ऑफ ओल्ड फैक्ट्री कैन नॉट बी कैंसल्ड और रिलेट टू अनदर यूज। हेयर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम लीज कॉन्ट्रैक्ट विल बी निल, बट द कॉस्ट विल बी इनकर्ड टिल नेक्स्ट 4 ईयर। हेयर प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। तो इस एग्जाम्पल में भी वही बोल रहा है कि 4 साल के लिए हमको हमारा प्रॉफिट 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन हमारा कॉस्ट इनकट होते जाएगा टिल द प्रोविज़न। तो अब इसे हम इसका अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में इस चीज़ का डेफिनेशन समझे ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसका यही मतलब है कि जब आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाए जहां आपका कॉस्ट अनअवॉइडेबल कॉस्ट होता है और उसमें आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता ही नहीं है कंपेरेटिवली हमारा कॉस्ट का, तो उस केस में हम उसको ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। वहाँ पे हमारा ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविज़न बनेगा, क्योंकि देखो प्रोविज़न का डेफिनेशन भी पूरी यहाँ कवरअप है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, प्रोविज़न के केस में प्रोविज़न इट्स लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस एंड विच इज़ थर्ड पॉइंट नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव सेटलमेंट। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोविज़न का पूरा जितना प्रोविज़न का हमारा वो सारा कवरअप है इसमें। तो ये हुआ हमारा एक पार्ट ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कंटीजेंट लाइबिलिटीज। तो आप इतना पहले नोट करिए, याद करिए, ये आपको ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट इन विच द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ द मीनिंग द ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड द इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर अंडर इट। ये बहुत ही सिंपल आपका डेफिनेशन है, आप इसको याद करिए, फिर पढ़िए, नोट करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटीज पे। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।